लाइक मैं जस्ट टेल यू कि आपको जो है इतना हैवी हैवी अनकंफर्टेबल क्यों लगता है लैशेस लगा के, आपको ऐसा लगता है कि आपके आंखों के आगे चिड़िया बैठी हुई है। यू आर अ पर्सन लाइक मी जिसे फॉल्स लैश लगाना बिल्कुल पसंद तो है, बट यू नो यू आर नॉट कंफर्टेबल इसे लगाने में, क्योंकि यू नो इसे बहुत आदत है, टीचिंग होती रहती है, या फिर जो फ्रंट की जो साइड है ना आपको लगता है कि उतर रही है, या ऐसे कुछ भी होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Agarwal. In case you are new here, then I make videos on makeup, fashion, lifestyle and vlogs. इस वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग सा हैक बताने वाली हूँ, जिसमें यू नो आपको लैशेज लगानी तो है बट कम्फर्टेबली कैसे लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। जो ट्रिक मैं भी यू नो ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ और आप भी कर सकते हो। सो ये प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी हेल्प हो इस ट्रिक से। तो इसके लिए यू नो एक पेयर ऑफ लैशेस चाहिए, लैश ग्लू चाहिए, आप पेयर ऑफ सीजर्स आपको चाहिए और एक एंगुलर ब्रश आपको चाहिए। ये चार चीज़ें चाहिए। बस क्या करूँगी, जो मेरी ये दोनों मैंने अपनी फॉल्स लैश लगा रखी है, जैसे जो नॉर्मल लैशेज होती हैं हैवी वाली, वो क्योंकि मैंने ये आई लुक करा था, लाइक पूरा मेकअप करा था फॉर इंस्टाग्राम। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो प्लीज़ आप जाके मेरी प्रोफाइल में देख लेना इंस्टाग्राम की, मैंने वहाँ पर पूरा अपलोड करा है। एंड बहुत दिनों से यू नो यूट्यूब पर फोकस हो रहा था, तो आई जी मेरा सफ़र कर रहा था, तो बहुत सारे फॉलोअर्स ने मुझे बोला कि यू नो आप आई जी के लिए भी कुछ बनाओ, तो इसलिए मैंने थोड़ा बोल्ड लुक करा है, यू कैन सी। इसीलिए ही मैंने एकदम यू नो पूरी हैवी हैवी लैशेस लगा रखी हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी ये वाली आई है मैं इसकी लैशेस उतार दूँगी अभी। एंड जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ वो मैं आपको ट्रिक बताऊँगी एंड फिर आप देखना कि आपको दोनों लैशेस में कितना डिफरेंस लगेगा, ठीक है। जस्ट गेट रेडी। मेरी आईज़ अभी भी एकदम वॉटरी हो गई, मैंने बताया क्योंकि मेरी आईज जो है बहुत ज़्यादा वॉटरी हैं। ये वाले लैश ले लो, ये वो वाले लैश है जो मैंने भी उतारी है। तो आपको क्या करना है, अपनी लैश को लेना है जो नॉर्मल जैसे लैश होती है एंड इसको ना सेंटर में से कट कर लेना है। आप सेंटर में से कट कर लो, सब जैसे ही इसे सेंटर में से कट करोगे एंड यू नो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंड तो ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी। लेट मी शो यू, तो ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी। फ्रॉम दिस तो ठीक है, आपको इसका ऐसे वाला पार्ट में अपने व्हाइट बैकग्राउंड का पूरा पूरा यूज करते हुए वो इसे कट करके इतना बनाना है। एंड जब आप इसे कट कर लोगे तो आपको अपने लैश ग्लू लेनी है, जो लैश बैंड है उस पर लगा लेनी है। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि आपको जो है इतना हैवी हैवी और अनकम्फर्टेबल क्यों लगता है लैशेस लगा के, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के आगे चिड़िया बैठी हुई है। सो इट्स बिकॉज जो आपकी लैश का जो लैश बैंड होता है, जो ये चीज़ होती है ऊपर की, ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो इसकी हैवीनेस की वजह से आपको यू नो हैवी लगता है। सो आपको ये लेना है एंड आपको यू नो आउटर कॉर्नर से शुरू होते हुए इसे लगा लेना है। यू विल सी कि मैंने इसे आउटर कॉर्नर से शुरू होकर लगा ली और ये यहाँ पे आगे ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड कैन यू सी द डिफरेंस ऑलरेडी इन माई आईज, लाइक ये वाली एकदम फुलर लग रही है, ये वाली भी फुलर लग रही है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ी ऐसे वाली शेप दे रही है और ये थोड़ी राउंड में दे रही है। इट्स बिकॉज लैश के साइज की वजह से, इसकी शेप की वजह से, इसकी जो शेप है अभी यूँ हो गई और ये पूरी राउंड है, कर्व में है। अब जो ये वाला जो है पार्ट, ये मुझे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहा। आई एम लाइक मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैंने लैश लगा रखी है, और ये वाला मेरे को इतना ज़्यादा हेड एक वाला होता है ना वो लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे यहाँ पे। एंड इफ़ यू सी दिस, आपको कोई कमी नहीं लगेगी अगर आप कंपेयर नहीं करोगे तो। आपको क्या करना है, ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, आपका बस इतना करा एंड आपका काम हो गया। आप अपना नेचुरली मस्कारा लगा लो जैसे आप लगाते हो तो, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपना एंगुलर ब्रश लोगे, इसमें प्रोडक्ट लोगे कोई भी जो मतलब डार्क शेड होगी, एंड उसको यू नो यहाँ पे अच्छे से लाइन कर लोगे। एंड आप यहाँ से थोड़ा विंग भी निकाल सकते हो, लाइक जो ये वाला पार्ट है आपको यहाँ पे लैश बैंड का इल्यूजन क्रिएट करना है बेसिकली बस।
अगर आपके पास ना एंगुलर ब्रश नहीं है तो आप काजल से भी कर सकते हो, तो लैश बैंड बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द हैक गाइस। आई रियली होप आपको मजा आया हो एंड यू नो काफी इजी और क्विक हैक था ये वाला। एंड आपकी एक लैश कट करके ही आपको दोनों लैशेस में आपका काम हो जाएगा। सो यार मैं थोड़ी वियर्ड लग रही होंगी लाइक दोनों आँखें अलग अलग, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, कॉमेंट करना कि आपको कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।